हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। लाइक मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, उनमें लीनियर इक्वेशन है एंड अगर दो लीनियर इक्वेशंस हैं तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या उन्हें कॉमनली सॉल्व किया जा सकता है, कब उनके सॉल्यूशंस यूनिक होंगे, यूनिक सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, कब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे एंड कब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इसे सिंपलेस्ट वे में कैसे समझा जा सकता है इस पर मैं फोकस करूंगा। साथ में उनको आपस में सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं हम, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ज्योमेट्रिकली ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ओके, तो ये पूरा सेशन पूरी तरह से लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को मैं डिवोट कर रहा हूं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है। ओके, जैसे मेरे पास अगर मैं लिखता हूं कि 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये लीनियर इक्वेशन है, x और y इसमें वेरिएबल है। ओके, एंड वाई एंड जेड में अगर वेरिएबल आप देखना चाहें 2x माइनस 3z प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये वाई और जेड में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है ना, एक्स एंड जेड में लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल हो और उसमें लीनियरली कॉफिशियंट रिलेटेड हो, कॉफिशियंट कुछ आए और कॉन्स्टेंट भी आए, तो मुझे लगता है इसको कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, एंड आगे बढ़ने से पहले मैं सॉल्विंग फोकस करूंगा, ध्यान से समझिए कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं दो इक्वेशंस को सॉल्व कर सकता हूं। मान लीजिए मुझे दो इक्वेशन सॉल्व करनी है और x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये सॉल्व करना है एंड एक सॉल्व करना है 3x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कॉमन x और y के लिए, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि मुझे ऐसे एक्स और वाई कैलकुलेट करने हैं जो इसे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एक साथ सॉल्व करें, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि आप क्या करिए, सबसे अच्छा जो तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमें छोटी क्लास में काफी अच्छा लग सकता है, वैसे और भी तरीके हैं जो आपको बताए जाएंगे, लेकिन काफी आसान सी बात है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेशन किया तो 2y कितना आएगा भाई, 2y मेरे पास आएगा 1 माइनस x, तो यहां से y मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस x बाई 2। ओके, ये सिंपल सी बात है, किसी भी एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं है फर्स्ट से निकाले, ठीक है ना। ये मैंने निकाल के सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, 3x प्लस वाई की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सेकंड इक्वेशन में वाई की जगह रख दिया, ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक्स आ जाएगा एंड सिमिलरली मैं वाई को कैलकुलेट कर रहा हूं। कोई टफ काम नहीं है दो इक्वेशंस को सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लाइक मुझे लगता है काफी आसान है और आगे भी हम और भी मेथड्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात कर रहा हूं एंड तीन प्रॉब्लम्स में लूंगा। ओके, यहां पर मेरे पास क्या आया, एक्स का कोफिशिएंट कितना आ गया, 3 माइनस 1 बाई 2 एक्स सही है प्लस 1 बाई 2 माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये कितना आया मेरे पास, 5 बाई 2 एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 बाई 2 आ गया भाई, सही है, माइनस का आया 5 बाई 2 आया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई एंड x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x मैंने ये निकालने के बाद ये x मैंने यहां पर रख दिया, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो y कितना आ गया, 0 आ गया, सही है। तो जो पॉइंट है इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है वो मेरे पास क्या है, 0 1 0 1 0, 1.0 पॉइंट दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, 1.0 दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करता है, इट इज द कॉमन पॉइंट, ये दोनों के सॉल्यूशन है
और मुझे मालूम है, मैंने पहले सीखा है कि ये लाइन रिप्रेजेंट करता है पॉलीनोमियल में, ये भी लाइन रिप्रेजेंट करता है, तो इट इज द पॉइंट दैट लाइज ऑन बोथ द लाइंस, इट इज द पॉइंट लाइज ऑन बोथ द लाइंस. ओके, बात समझ आ गई, ठीक है ना. नाउ अगर मैं बात करूं क्या इनको बनाया जाए, बना लेते हैं भाई, बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करना आ गया एक. ओके, एक और मैं सॉल्व करता हूं, आई थिंक सॉल्व करना आ चुका है, नहीं बता रहे हम आगे और, कि यहां पर मैंने एक्स को यहां से कैलकुलेट किया, वाई को यहां पर रख दिया और ये मेरे पास रिलेशन आया और एक्स आ गया और वाई आ गया. ओके, आगे बात मैं करता हूं किसकी, क्या मैं इनको लोकेट कर सकता हूं, क्या मैं इनको लोकेट कर सकता हूं? यस, क्यों नहीं कर सकता भाई, बड़ी बात नहीं है, लोकेट करने में क्या है. तो इस लाइन को पहले को मैं लोकेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस में कर रहा हूं, यहां पे अगर मैं एक्स को वाई को जीरो लिखूंगा तो एक्स वन आ जाए, वन कोमा जीरो से तो दोनों ही पास हो रहे हैं, सही है. और यहां पे वाई को जीरो लिखा, एक्स को जीरो लिखा तो वाई कितना आ गया, वन बाई टू, जीरो कॉमा वन बाई टू से पास होगी ये वाली लाइन, ये फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट है, तो इन दोनों पॉइंट से फर्स्ट लाइन मेरे पास पास होगी, तो पास करा देंगे, क्या दिक्कत है, फर्स्ट लाइन आ गई मेरे पास, ठीक है. एंड ये फर्स्ट है, एंड सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिए, ओके, अगर मैं दूसरी लाइन को बनाना चाहूं तो मुझे पहले से ही मालूम है कि वो कहां से पास हो रही है, वो पास हो रही है 1,0 से, 1,0 इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइंस, तो 1, x को y को 0 लिख, y को मैं 0 लिखूं तो x 1 आ रहा है और x को 0 लिखूं तो y 3 आ रहा है, लाइक 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो दूसरी लाइन है वो ऐसे कुछ पास हो रही है, ऐसे होगी, ठीक है ना. तो मैंने ग्राफिकली भी दोनों को देख लिया एंड बनाया, तो इट इज द कॉमन पॉइंट, 1,0 इज द कॉमन पॉइंट फॉर बोथ द लाइंस, ये हमारा पास पॉइंट कितना था, 0,3 था, एंड ये वाला पॉइंट कितना था, 0,1/2 आया था मेरे पास. ओके, तो ये मैंने दोनों लाइंस को बना भी लिया, दोनों लाइंस को सॉल्व भी कर लिया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके, तो मुझे लगता है कि अगर दो वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन है और दो लीनियर इक्वेशन है, तो यहां से कंक्लूजन आ गया कि उनका एक कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है हमेशा, इसको हम आगे समझेंगे. ओके, दूसरी प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, मैंने क्या लिया, कंसंट्रेट करिए कि एक लिया 2x + y - 3 = 0, 2x + y, मैंने 2x + y - 1 = 0, एक लाइन ये ले, ठीक है ना. एंड दूसरी लाइन मैंने क्या ली, और दूसरी मैंने लाइन ली 2x, ये सेम रखा, प्लस y - 3 = 0, ये भी x एंड y में लीनियर इक्वेशन है, ये भी x एंड y में लीनियर इक्वेशन है. एंड जब मैंने इन दोनों को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन की हेल्प से y की वैल्यू निकाली, पहली इक्वेशन की हेल्प से जब मैंने y को कैलकुलेट किया तो ध्यान से देखो कितना आया, y मेरे पास आया, y कितना आया, देखो मेरा y = आया 1 - 2x. ओके, एंड ये y मैंने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, 2x - y - 3 = 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं ये y लिखूंगा तो 2x + 1 - 2x - 3 = 0, सही है. तो ये मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे पास आया ये गायब हो गए और -2 = 0 आ गया, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक है ना, बात समझ आई. इसका मतलब क्या हुआ, मैं ग्राफिकली भी बनाता हूं, तो पहली लाइन में क्या हो रहा है भाई, पहली लाइन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, पहली लाइन में क्या हो रहा है मेरे पास, अगर मैं एक्स को जीरो कर रहा हूं तो वाई वन आ रहा है और वाई को जीरो कर रहा हूं तो एक्स आ रहा है 1/2, ऐसी लाइन आ रही है, ये पहली लाइन ही आ रही है. एंड दूसरी लाइन की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए दूसरी लाइन में क्या हो रहा है, जब मैं x को 0 लिख रहा हूं तो y 3 आ रहा है, 1, 2, 3, और y को 0 कर रहा हूं तो x 3 y 2 आ रहा है, यहां पे कहीं आ रहा है,
ऐसे ऐसे लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये कभी भी पैरेलल टाइप की आ गई, पैरेलल, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। वैसे भी माइनस टू इक्वल्स टू जीरो आ गया, इसका मतलब ये था कि ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। दीज टू लाइंस, ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये दोनों लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। बोथ द टू लाइंस आर पैरेलल, ओके। ये बात मेरी समझ में आ गई, ठीक है ना। तीसरा मैंने एक और प्रॉब्लम लिया, इस बार मैंने क्या किया है कि x plus y plus 1 equals to 0 लिया और दूसरी जगह ले लिया 2x plus 2y plus 2 equals to 0, सही है। तो ये थोड़ा सा अलग है, यहां पे भी मैंने दोनों को सॉल्व करना शुरू किया तो मेरे पास क्या आया, ध्यान से देखिए, यहां पर आया y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन, माइनस एक्स आ गई। एंड जब ये मैंने फर्स्ट दूसरी इक्वेशन में लिखा तो 2x माइनस टू माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो आया, तो जीरो इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो ये हमेशा वैलिड है, ये क्या है, हमेशा वैलिड है। तो जीरो इक्वल्स टू जीरो तो हमेशा होगा भाई, इसका मतलब ये हमेशा ही वैलिड है। एक्स को अगर मैं जीरो लिख रहा हूं तो वाई कितना आ रहा है, वन आ रहा है, और वाई को जीरो लिख रहा हूं तो एक्स वन आ रहा है। तो ये लाइन एक ही है, बस पहले में क्या है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही है। दूसरी इक्वेशन 2 इनटू x प्लस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरी इक्वेशन से 2 कॉमन लूंगा तो फर्स्ट बन जाएगा। तो ये दो अलग लाइंस नहीं दी गई हैं, एक ही लाइन दी गई है और उस पे कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन से लाइन चेंज नहीं हो रही, क्योंकि वो 0 का 0 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। तो यहां पर मैंने तीन प्रॉब्लम ली, एक ये ली, ठीक है ना, बात समझ आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या ली, ये ली, और तीसरी प्रॉब्लम ये ली, ठीक है। नाउ फोकस करना, यहां पर अगर मैं लाइंस को लिख रहा हूं, बहुत ही ज्यादा काम की बात आने वाली है। एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एक लाइन लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन लिखी है a2x प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि a1 अपॉन a2 कितना आ रहा है, इस केस में a1 अपॉन a2 मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। इस केस में क्या है, a1 अपॉन a2 मेरे पास क्या है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू है 1/3 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू है 2/1, ओके। ये तीनों दोनों लाइंस मैंने तीनों जगह लिख ली और इसको मैंने कंपेयर कर रहा हूं, काफी काम की बात है, अच्छे से समझना। सिमिलरली मैंने यहां पर दो लाइंस लिखी हैं, ये दोनों लाइंस है मेरे पास, a1x plus b1y plus c1 equals to 0 एंड दूसरी लिखी है a2x plus b2y। काफी आसान सी बात है, मैं अलग तरीके से बता रहा हूं जिससे आप कभी भी भूले ना, गलती के चांसेस हो ही ना। यहां पर a1 अपॉन a2 कितना है, 1 है, b1 अपॉन b2 कितना है, 1 है, c1 अपॉन c2 कितना है, 1/3 है, सही है, ठीक है। एंड थर्ड वन में अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये a1x plus b1y plus c1 equals to 0 है और A2X काफी काम का रिजल्ट है जो कि स्टूडेंट तैयार नहीं कर पाते हैं और गलती करते हैं, वो मैं आपको काफी इजी मैनर में बता रहा हूं और इससे गलती के चांसेस नहीं होंगे। A1 अपॉन A2 कितना है, 1 है, B1 अपॉन B2 कितना है, 1 है, एंड C1 अपॉन C2 कितना है, 1 है, 1/2 है भाई, 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, ओके। तो नाउ फोकस हियर कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंसीडर करता हूं और जब जब मेरे पास a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर नहीं आ रहे, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो वो पैरेलल नहीं होंगी, एक कॉमन पॉइंट आएगा उन लाइंस में, उन
लीनियर इक्वेशंस में एक कॉमन पॉइंट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, उन लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, अगर मेरे पास दो लीनियर इक्वेशंस में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 तो उनमें एक कॉमन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ओके, नाउ फोकस हियर, जब मेरे पास a1 अपॉन a2, ध्यान से समझिए, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ठीक है ना, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 तो बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, ठीक है ना। तो उस केस में जो लीनियर इक्वेशंस हैं दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। उस इक्वेशन, उस सिचुएशन में जो लीनियर इक्वेशंस हैं दो पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, देयर एग्जिस्ट नो कॉमन पॉइंट्स फॉर दीज टू लाइंस, उनका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मेरे पास कभी ऐसा हो दो लीनियर इक्वेशन के a1 अपॉन a2 किसके बराबर हो, b1 अपॉन b2 के बराबर हो और c1 अपॉन c2 के बराबर हो, तो वो दो लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होती हैं, वो एक ही लाइन रिप्रेजेंट होती है। और उनके इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस में कह सकता हूं कि क्योंकि एक ही लाइन हो रही है तो एक दूसरे पर मर्जर हो रही है यहां पर, देन इसका मतलब क्या है कि वो दोनों इक्वेशंस एक्स और वाई की हर वैल्यू के लिए वैलिड होंगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस उनके लिए एग्जिस्ट करेंगे। ओके, समझ गए, सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है और उससे काफी काम की बात आपको समझा दी है। ध्यान से समझना, मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि अगर मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 ये दे रखा है, और दूसरी लीनियर इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2, सही है, और साथ में क्या है, अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू क्या है b1 अपॉन b2 है, नॉट इक्वल्स टू है, तो नॉन पैरेलल लाइंस आएंगी, ये ऐसी कुछ आएंगी, ये कॉमन पॉइंट आएगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है लेकिन नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, सही है, तो ये क्या आएगा, दो पैरेलल लाइंस आएंगी रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर मेरे पास a1 अपॉन a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 है, तो ये मेरे पास क्या है, coinciding lines को ये represent करेगा, coinciding lines को ये represent करेगा, एक ही लाइन होगी, infinite many solutions इसके exist करेंगे। ओके, तो simplest manner में ये मैंने आपको तीनों के तीनों रिजल्ट समझा दिए, और कैसे substitution method से हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। तो ये रिजल्ट आपको समझ के तैयार करने हैं, ऑल्दो स्ट्रेट लाइन आपका डिटेल में टॉपिक है आगे की क्लासेस में, लेकिन कम से कम मैं ये चाहूंगा कि ये जो रिजल्ट हैं, कि ये जो रिजल्ट हैं ये आप अच्छे से तैयार करें, और इनके लिए मैंने सॉल्विंग में एक एक प्रॉब्लम सबको आपको बताया भी है, और ड्रॉ करना भी लाइन को आपको आ गया है, मुझे लगता है कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जब दो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन की दो इक्वेशंस की बात हो रही है, तो उनको मैं डील करना सीख चुका हूं। ओके, ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए, मैंने इस सेशन में आपको बताया कि ax प्लस by प्लस c = 0 एक x और y में लीनियर इक्वेशन है। ऐसी अगर दो इक्वेशन दी है मेरे पास a1x plus b1y plus c1 = 0 and a2x plus b2y plus c2 = 0, तो दोनों को ग्राफिकली मैं बनाना जानता हूं, पॉलीनोमियल में मैंने बताया, सिंपल से रिजल्ट आपको मैंने यहां पर बताए कि अगर a1 upon a2 not equals to b1 upon b2 होगा तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी और एक कॉमन पॉइंट आएगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ओके, और अगर a1 upon a2 is not equals to or equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2 तो ये क्या आएगा, parallel lines आएगा, no common point। And अगर a1 upon a2 equals to b1 upon b2 equals to c1 upon c2 तो ये दो नहीं रही, एक ही हो गई, infinite lines आएंगे, लेकिन वो एक दूसरे पे क्या आ रही है, merge कर रही है, एक दूसरे पे coinciding lines आ रही है, तो वो इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स एग्जिस्ट सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस।
ठीक है, ठीक। आगे मैं इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स लूंगा सॉल्विंग, जो और भी तरीके हम लाइक देखेंगे, तब मुझे लगता है वो समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना।